जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज 27 सितंबर के दिन जो आईपीएल 2020 का नौवा मुकाबला खेला जाने वाला है पंजाब और राजस्थान के बीच में, उसमें आप सभी को कौन सी प्लेइंग 11 टीम खेलती हुई नजर आएगी, तो पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ में आंकड़े भी बताएंगे कि आखिरकार अब तक कितने मुकाबले इन दोनों ही टीमों के बीच में खेले गए हैं और कौन कितने मैच जीता है। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। और वहीं दोस्तों, यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि दिनेश कार्तिक ने बताया शून्य पर आउट होकर कैसा लगता है। जी दोस्तों, केकेआर की तरफ से खेलने जब उतरे थे दिनेश कार्तिक तो वो शून्य रन बनाकर आउट हुए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो वो भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि अनुष्का शर्मा विवाद में सुनील गावस्कर को सभी अभिनेता और अभिनेत्री ने दिया जवाब। जी दोस्तों, ये जो मामला है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसके बारे में भी डिटेल जानकारी बताएंगे, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक अच्छा कप्तान मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2020 में आज राजस्थान रॉयल और किंग्स इलेवन पंजाब की टीमें आमने सामने होंगी। तो वहीं राजस्थान की टीम जहां पहला मैच जीतने के बाद जोश से भरी हुई है, तो वहीं पंजाब की टीम के हौसले भी बुलंद है। तो वहीं हम आपको बताएं, शारजा में होने वाले इस मुकाबले में दोनों ही टीमें जीत के इरादे से उतरेंगी और दो अंक हासिल कर अंक तालिका में बढ़त बनाने की कोशिश करेंगी। तो दोस्तों, बात करें राजस्थान रॉयल्स की या फिर किंग्स इलेवन पंजाब की, दोनों ही टीमों ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया। जैसा कि हम सभी को पता है कि राजस्थान रॉयल ने अपने पहले ही मुकाबले में सीएसके जैसी खतरनाक टीम को काफी बड़े स्कोर से हराया था, तो वहीं पंजाब की टीम ने पिछली बार विराट कोहली की आरसीबी टीम की धज्जियां उड़ा दी थी। तो ऐसे में इस बार की जो दोनों ही टीम है वो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है। हालांकि दोस्तों, पिछले कुछ मैचों में राजस्थान की तरफ से हम सभी को बेन स्टॉक्स और जॉस बटलर खेलते हुए नहीं दिखाई दिए, तो वहीं पंजाब की तरफ से भी क्रिस गेल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हम सभी को मैदान पर उतरते हुए नहीं दिखाई दिए। लेकिन जो आज का मुकाबला खेला जाने वाला है उसमें काफी बड़े बड़े नाम आप सभी को दिखाई देने वाले हैं प्लेइंग 11 टीम में। तो आइए चलिए, तो दोस्तों प्लेइंग 11 टीम जानने से पहले हम नजर डालते हैं आंकड़ों के ऊपर। दोस्तों, कुल मुकाबले जो खेले गए हैं राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच में वो 19 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर राजस्थान रॉयल की टीम ने 10 मुकाबले जीते हैं और किंग्स 11 पंजाब की टीम ने 9 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान रॉयल की टीम का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, प्लेइंग 11 टीम जानने के बाद ही हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि आखिरकार कौन सी टीम ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो आइए चलिए, पहले हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 टीम के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आज जो हम सभी को मैदान पर उतरते हुए खिलाड़ी दिखाई देंगे, जो टॉप ऑर्डर संभालेंगे वो होंगे यशस्वी जायसवाल, स्टीव स्मिथ। तो वहीं बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में जो नाम रखा गया है वो रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसंग और डेविड मिलर का रखा गया है। तो वहीं बात करें ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में जोस बटलर और रियान पराग का नाम रखा गया है। तो वहीं बात करें गेंदबाजी पक्ष की, तो राजस्थान रॉयल की तरफ से आज जो गेंदबाजी करते हो हम सभी को दिखाई देंगे, 8वें नंबर पर होंगे राहुल तेवतिया, 9वें नंबर पर श्रेयस गोपाल, 10वें नंबर पर इंग्लैंड टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और 11वें नंबर पर कार्तिक त्यागी। तो दोस्तों, ये तो हुई राजस्थान रॉयल की टीम। तो आइए चलिए, अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए किंग्स 11 पंजाब की टीम के बारे में। दोस्तों, आज के जो मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब की जो टीम हम सभी को मैदान पर उतरती हुई दिखाई देगी, जो ओपनिंग साझेदारी संभालेंगे वो होंगे लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल। तो वहीं बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में आज करुण नायर को तीसरे नंबर पर मौका दिया जाएगा और चौथे नंबर पर क्रिस गेल का खेलना संभव माना जा रहा है। तो वहीं 5वें नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल का नाम दिया गया है और 6वें नंबर पर सरफराज खान आते हैं। तो वहीं दोस्तों, बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में 7वें नंबर पर जेम्स नीसम का नाम दिया गया है, 8वें नंबर पर मुरुगन अश्विन, 9वें नंबर पर रवि बिश्नोई, 10वें नंबर पर भारतीय टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और 11वें नंबर पर शेल्डन कॉटरेल। तो इसमें दोस्तों, अब इन दोनों ही टीमों को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि कौन सी प्लेइंग 11 टीम ज्यादा मजबूत है और आज कौन सी टीम मुकाबले को जीतेगी? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि दिनेश कार्तिक ने बताया शून्य पर आउट होकर कैसा लगता है। जी दोस्तों, कोलकाता ने आखिरकार मजबूत सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को धूल चटाते हुए 7 विकेट के साथ मैच को जीत लिया। तो वहीं कोलकाता की ओर से शुभमन गिल और इयान मॉर्गन ने सबसे बड़ी पारियां खेली। तो वहीं मैच के दौरान शून्य पर आउट हुए दिनेश कार्तिक ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इससे पहले जीतने से खुश कार्तिक ने कहा कि बोर्ड पर आना हमेशा अच्छा लगता है, हम वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि टीम में ऑलराउंडर होने का एक फायदा है, उनका उपयोग करना मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात होती है। तथ्य यह है, हम युवाओं को तैयार करने में सक्षम है, वह बेहद सुखदायक है। नागरकोटी के साथ पिछले कुछ वक्तों में हमारी भावनात्मक यात्रा रही है, लेकिन प्रबंधन का
श्रेय जाता है जिन्होंने उन्हें साथ रखा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर उन्होंने युवा को ट्रेंड करने की बात बोली और साथ में ये भी बोला कि सुनने पर आउट होना दुर्भाग्यपूर्ण भरी बात है। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप अपनी राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल 2020 के 8वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट के अंतर से हरा दिया है। तो वही पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 142 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में केकेआर की टीम ने इस लक्ष्य को 7 विकेट रहते ही 18वें ओवर में हासिल कर लिया था। हालांकि दोस्तों ये जो स्कोर था वो इतना ज्यादा कुछ खास नहीं था, जिसके चलते केकेआर की टीम को हार मिलती। इस मुकाबले में 62 गेंदों का सामना करते हुए 70 रनों की शानदार पारी खेली और इस दौरान 5 चौके और 2 छक्के भी लगाए। तो वहीं दोस्तों आज गेंदबाजी में पैट कमिंग्स ने अपना जलवा दिखाया और बताया कि आखिरकार क्यों उन्हें, तो वहीं कुलदीप यादव भी यहां पर काफी किफायती दिखाई दिए, जिसके चलते आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 142 रन ही बनाने में कामयाब रह पाई। तो वहीं दोस्तों इस दौरान काफी बड़े बड़े कुछ रिकॉर्ड टूटे हैं, तो आइए चलिए अब एक एक करके हम आपको उन सभी रिकॉर्डों को दिखाते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो 8वां रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि आईपीएल 2020 में लगातार 7 मैचों में ऐसा हुआ जब कप्स के इस मुकाबले में भी यही देखा गया और ये आईपीएल के इतिहास में खुद एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है जो सालों सालों तक याद रखा जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हम बात करें 7वें रिकॉर्ड के बारे में। जो 7वां रिकॉर्ड आज के इस मुकाबले में टूटा वो ये था कि ये सनराइजर हैदराबाद की आईपीएल में लगातार 5वीं हार है। तो वही आईपीएल 2019 में वह अपने अंतिम 3 मुकाबले हारी थी और आईपीएल 2020 के शुरुआती 2 मुकाबले भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हार चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे वो और कितने मुकाबले हारती है या फिर जीतती है। तो वही दोस्तों बात करें 6वें रिकॉर्ड के बारे में। जो इस लिस्ट में 6वां रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा आईपीएल 2020 में अब तक सभी टीमों को जीत मिल चुकी है और सनराइजर्स की ही टीम एक ऐसी टीम है जो कि पॉइंट्स टेबल में 0 पॉइंट्स लेकर लास्ट नंबर पर बनी हुई है। तो वही दोस्तों बात करें 5वें रिकॉर्ड के बारे में। जो 5वां रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि आईपीएल 2020 के 2रे मैच से लेकर 7वें मैच तक पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत हासिल हुई है, लेकिन आज यह क्रम टूट गया और केकेआर ने दूसरी बल्लेबाजी करके इस मैच को जीत लिया। तो वही दोस्तों आगे बढ़ते हम बात करें 4वें रिकॉर्ड के बारे में। जो 4वां रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि कमलेश नागर कोटी ने पिछले 2 सीजन से केकेआर की टीम से जुड़े हुए थे, लेकिन चोट के चलते दोनों सीजन में उन्होंने 1 भी मैच नहीं खेल पाए थे। तो वही दोस्तों आगे बढ़ते हम बात करें 3रे रिकॉर्ड के बारे में। जो 3रा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि मनीष पांडे ने आज आईपीएल के करियर में अपना 16वां अर्धशतक लगाया और 1 शतक भी आईपीएल में वो लगा चुके हैं, जिसके चलते इस रिकॉर्ड में अब वो 3रे स्थान पर आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।